We are here to celebrate the historical and the proud moment in the history of Korea. One of our family members, Mr. Chirag Shetty, who started playing his badminton on very this sport, practiced here with all his beloved team member medal at the Commonwealth Games recently concluded in Australia. A few minutes from now, we will be having him here. But before we invite the champion of the dais, let me invite the dignitaries of the club to accompany me on the dais. To start with, the president of the club, Mr. Sunil Singhania. Secretary, Mr. Nigambai Patel. Aslam Sheikh sir, the powerhouse Vice President Sunil Singhania ji. Our indoor sports chairman, Mr. Chirag Shetty. Okay, so he will be accompanying and escorting Chirag Shetty on the dais. So before, right from his practice days to the glory, receiving the medals. So let's play the game for the audience. Thank you.
Now invite our secretary, Mr. Nigam Patel, to
share his views on his proud moment. Good morning, everyone. Thank you very much for coming and gracing this occasion. मैं चिराग के डैडी से बात कर रहा था और उन्होंने बोला जब ये क्लब बना था तभी चिराग का जन्म हुआ था. But it is a beautiful moment के आज he has grown up with this club. The club has grown. The club has given him a beautiful infrastructure. And today the club has created a champion. A big round of Chirag Shetty.
करने का जो काम करते हैं सिर्फ पैसों से नहीं होता है, उसमें दिल की लगन से जो उसमें ऊर्जा भरने का काम करते हैं, इससे हमारे उदय पवार साहब जिनको मैंने देखा तो मैं भी क्रिकेट खेलने से पहले बैडमिंटन भी ज़्यादा खेलता था और उदय पवार जी पैर से उतने ज़्यादा मोमेंट नहीं कर सकते, लेकिन तीन तीन चार चार घंटा खड़े रह के खुद नॉकिंग देना, खुद स्पेशली बच्चों के ऊपर ध्यान देना, अगर उन्होंने ये काम नहीं किया होता तो सच्ची के काम में चिराग जैसे लोग तैयार नहीं होते। इसके लिए उदय पवार जी हमारे गुरु का स्मरण किया जा सकता है। अगर गुरु गुरु के बारे में ना बोला जाए तो फिर चेले का कोई मतलब नहीं होता। उदय पवार साहब इस महिला पुरस्कार के लिए ऐसे करने उनको हकीकत में अच्छे अच्छे बच्चों को तैयार करते रखा और इसी तरीके से आगे भी इस मेहनत करेंगे और बच्चे तैयार होंगे। चिराग ने तो पूरे देश में मेरे ख्याल से इस दुनिया के अंदर बहुत सारे लोगों ने मिलियन मिलियन कमाए, लेकिन उन लोगों का नाम इतनी जगह नहीं पहुंचा होगा जो अचानक चिराग का नाम जो है पूरी दुनिया में और खासकर स्पोर्ट्स खेलने वालों के घर में उसके पुत्र से लग चुके हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है उनके परिवार के नेशनल मेडल से उन्होंने लिए हैं, उनका भी मैं कोई नाम पुरस्कार में और हमारे परिवार की तरफ से बहुत बहुत यहाँ पे मुबारकबाद देता हूँ और गोरेगांव से पुरस्कार के पूरे परिवार को, क्योंकि आज तो मेरे घर से दो बार मुझे स्पीच देना था, आधी स्पीच भी देना आधी शाम को, मैं शाम को फिर यहाँ स्टेशन रखा हुआ है चिराग भाई का, लेकिन चिराग भाई का कहना चाहता हूँ कि मुझे बड़ी खुशी हुई, जितनी खुशी तुम्हारे परिवार वालों को उससे कम मुझे नहीं, क्योंकि मुझे आज कहीं भी फक्र से कह सकता हूँ कि मेरे कॉन्स्टिट्यूंट से भी रहने वाला मेरे इंटरनेशनल महिला फाइनलिस्ट मलाड विभाग में लाया है, मुझे इस बात की खुशी है। मैं तो सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि ऐसे तो आप लोग सक्षम ही हो, लेकिन पूरे कैरियर के अंदर जब भी इंटरनेशनल खेलने जाओगे तन मन धन से असलक्षण तुम्हारे साथ रहता है, देश इतना बड़ा और स्पोर्ट्स के मामले में जब बड़ी की बात आती है तो सबसे लास्ट क्रमांक में हम ओलंपिक में जाते हैं लगभग, लेकिन अब इस तरीके का जो चेंजेस आ रहे हैं स्पोर्ट्स को जिस तरीके से बढ़ावा दिया जा रहा है और मुझे इस बात की खुशी कि मैं खुद अभी भी कोशिश करता हूँ कि हफ्ते में दो दिन तीन दिन चार दिन जो है वो इस पर दूँ ताकि मैं भी फिट रहूँ और बाकी के लोगों के साथ में स्पोर्ट्समैन लोगों को जिंदा रहूँ और मजबूत करूँ, ये मेरा सौभाग्य है। मुझे चिराग को यही कहना है कि भाई दिल लगा के और डबल मेहनत कर रहे हैं, ये तो मतलब सिल्वर से अगर कोई खुश हो जाए तो कोई गोल्ड का कोई मतलब ही नहीं, जब तक का गोल्ड नहीं मिले जब तक का और मजबूती से काम नहीं तब तक का तुझे आराम से नहीं बैठना। इसी तरीके से पूरा का पूरा गोरेगांव स्पोर्ट्स क्लब का परिवार, हमारे पूरे मलाड के लोग, पूरे देश के लोग अब तेरे पे नज़र बिठाए हुए हैं कि आगे चल के तू और इस देश का नाम ऊंचा करेगा, अपने परिवार वालों का नाम ऊंचा करेगा, गोरेगांव स्पोर्ट्स का नाम ऊंचा करेगा। थैंक यू वेरी मच सभी
Chirag has always been in our heart and always been the pride of the club, and has pushed the levels to such a level where we really are very proud about it. Just imagine a situation. Aap log ghar jaiye aur sochiye. 125 crore Bharatiyon mein we have somebody who sits with us and gets a gold medal for us in 51 countries. Such a great matter of pride for us. Humne aaj tak hamare population ko abuse kiya hoga ki bahut itna congested aur itna bhara hua desh hai, but aaj humko usme pride ho raha hai ki 125 crore logo mein ek aisa aadmi hamare paas hamare club mein baitha hua hai jisne pride laya hai. 51 deshon mein Commonwealth ka gold. I am a parent, मेरे भी दो बच्चे हैं. सबके parents को लगता है कि उनके बच्चे sports में अच्छा करें, पढ़ाई में अच्छा करें. पढ़ाई में तो फिर भी बच्चे कर लेते हैं शायद, क्योंकि पढ़ाई में तो उन बच्चों को ज़्यादा मेहनत करनी होती है. एक मेहनत जो दिखाई नहीं देती, एक मेहनत जो हद से ज़्यादा होती है, बहुत सारे sacrifice होते हैं, अपना टाइम मनी लाइफ डेडिकेट कर देनी पड़ती है अपने पेरेंट्स को अपने बच्चों को इस लेवल पर लाने के लिए. आई थिंक शेखर हैज़ प्लेड एन इंस्ट्रूमेंटल रोल इन मेकिंग अप फॉर चिराग के सपने. Chirag Shetty.
Vallabhbhai Patel. Under 10 category.
Share his views.
everyone. Thank you very much for coming and gracing this occasion. मैं चिराग के डैडी से बात कर रहा था और उन्होंने बोला जब ये क्लब बना था तभी चिराग का जन्म हुआ था. तो इट इज अ ब्यूटिफुल मोमेंट के आज ही हैज ग्रोन अप विद दिस क्लब. द क्लब हैज ग्रोन, द क्लब हैज गिवन हिम अ ब्यूटिफुल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टुडे द क्लब हैज क्रिएटेड अ चैंपियन. अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज टू हिज मेंटर मिस्टर शेखर. इस
स्पोर्ट्स के दिमाग पे चढ़ने मत देना, इसके बाद में ऐसे कई मेडल जो है इस गोरेगांव स्पोर्ट्स क्लब में आएंगे आपके घर में। मैं साथ ही साथ उनके परिवार के लोगों को भी बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ, अगर वो मजबूती से उनके साथ अगर खड़े नहीं होते तो आज ये दिन देखने नहीं मिलता। और विशेषकर जो मेन ऊर्जा भरने का जो काम करते हैं, सिर्फ पैसों से नहीं होता है, उसमें दिल की लगन से जो उसमें ऊर्जा भरने का काम करते हैं, इसे हमारे उदय पवार साहब जिनको मैंने देखा हूँ कि मैं भी क्रिकेट से क्रिकेट खेलने से पहले बैडमिंटन भी ज़्यादा खेलता था, और उदय पवार जी पैर से उतने ज़्यादा मोमेंट नहीं कर सकते, लेकिन तीन तीन चार चार घंटा खड़े रह के खुद नॉकिंग देना, खुद स्पेशली बच्चों के ऊपर ध्यान देना, अगर उन्होंने ये काम नहीं किया होता तो सच्ची के काम में चिराग जैसे लोग तैयार नहीं होते। अगर पवार जी हमारे अगर गुरु गुरु के बारे में ना बोला जाए तो फिर चलेगा कोई मतलब ही नहीं होता। पवार साहब इस वर्गांश पुरस्कार के लिए ऐसे मैंने उनको हकीकत में अच्छे अच्छे बच्चों को तैयार करते देखा, और इसी तरीके से आगे भी इस मेहनत करेंगे और बच्चे तैयार होंगे। चिराग ने तो पूरे देश में मेरे ख्याल से इस दुनिया के अंदर बहुत सारे लोगों ने मिलियन मिलियन कमाए होंगे, लेकिन उन लोगों का नाम इतनी जगह नहीं पहुंचा होगा जो अचानक चिराग का नाम जो है पूरी दुनिया में और खासकर स्पोर्ट्स खेलने वालों के घर में उसके पुत्र से लग चुके हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है उनके परिवार में। नेशनल मेडल से उन्होंने लिए हैं, उनका भी मैं कोई नाम उसको स्तर में और हमारे परिवार की तरफ से बहुत बहुत यहाँ पे मुबारकबाद देता हूँ। और गोरेगांव स्पोर्ट्स क्लब के पूरे परिवार को, क्योंकि आज तो मेरे घर से दो बार मुझे स्पीच देना था, आधी स्पीच अभी देता आधी शाम को, मैं शाम को फिर स्टेशन रखा हुआ है चिराग भाई का, लेकिन चिराग भाई का कहना चाहता हूँ कि मुझे बड़ी खुशी हुई, जितनी खुशी तुम्हारे परिवार वालों को होगी उससे कम मुझे नहीं, क्योंकि मुझे आज कहीं भी फकर से कह सकता हूँ कि मेरे कॉन्स्टिट्यूंट से भी रहने वाला मेरे इंटरनेशनल महिला फाइनल मलाड विभाग में लाया है, मुझे इस बात की खुशी है। मैं तो सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि ऐसे तो आप लोग सक्षम ही हो, लेकिन पूरे करियर के अंदर जब भी इंटरनेशनल खेलने जाओगे तन मन धन से असलक्ष्य तुम्हारे साथ रहेगा। देश इतना बड़ा है और स्पोर्ट्स के मामले में जब मेडल की बात आती है तो सबसे लास्ट क्रमांक में हम ओलंपिक में जाते हैं लगभग, लेकिन अब इस तरीके का जो चेंजेस आ रहे हैं स्पोर्ट्स को जिस तरीके से बढ़ावा दिया जा रहा है, और मुझे इस बात की खुशी कि मैं खुद अभी भी कोशिश करता हूँ कि हफ्ते में दो दिन तीन दिन चार दिन जो है वो इसमें दूँ ताकि मैं भी फिट रहूँ और बाकी के लोगों के साथ में स्पोर्ट्समैन लोगों को जिंदा रहूँ और मजबूत करूँ, ये मेरा सौभाग्य है। मुझे चिराग को यही कहना है कि भाई दिल लगा के और डबल मेहनत कर रहे हैं, तो मतलब सिल्वर से अगर कोई खुश हो जाए तो फिर गोल्ड का कोई मतलब ही नहीं, जब तक का गोल्ड नहीं मिले जब तक का और मजबूती से काम नहीं तब तक का तुझे आराम से नहीं बैठना। इसी तरीके से पूरा का पूरा गोरेगांव स्पोर्ट्स क्लब का परिवार, हमारे पूरे मलाड के लोग, पूरे देश के लोग अब तेरे पर नज़र बिठाए हुए हैं कि आगे चल के तू और इस देश का नाम ऊंचा करेगा, अपने परिवार वालों का नाम ऊंचा करेगा, गोरेगांव स्पोर्ट्स का। थैंक यू वेरी मच सभी 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 आप सब लोग आए सारे बैट्समैन हमारे सारे क्रिकेट वाले हमारे ज़्यादातर में यहाँ पे जो बैडमिंटन खेलते हैं ज़्यादातर लोग हैं उनको भी बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। आप लोगों की लगन की वजह से ये इतना अच्छा यहाँ पे आज ये स्पोर्ट्स क्लब दिख रहा है गोरेगांव स्पोर्ट्स क्लब, मैं भी वालों को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ, क्योंकि इसके अंदर जो चाहिए था उधर पवार साहब भी मेरे ख्याल से पूरे पानी से भीग जाते थे प्रैक्टिस देते देते, आज उन्होंने 20 में इतना अच्छा काम किया जिसके साथ इतना बड़ा हमें जगह मिली, इतनी खूबसूरत जगह मिली, इसलिए मैं गुरुगांव स्पोर्ट्स क्लब में बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू असलम भाई। नाउ आई वुड लाइक टू इनवाइट मिस्टर सुनील देवी जी टू से अ फ्यू वर्ड्स सर। Good morning friends,
आप सबने एक पिक्चर देखी होगी चलते इंडिया। चलते इंडिया में एक सीन है जहाँ शाहरुख खान कहता है कि मैंने पहली बार किसी फर्म को तिरंगा लहराते हुए देखा। चिराग शेट्टी हैज गॉट दैट राइट टू अस। आई थिंक समबडी हू वी आर मिसिंग टुडे, राधेश्याम गुप्ता जी, द फाउंडेशन ऑफ दिस क्लब, वाज बी द हैप्पीएस्ट पर्सन सिटिंग अप देयर। अभी बना है, हमने तो दिल से पहले से चिराग को चैंपियन मान के उसकी तस्वीर ही वहां पर लगा दी है। सो चिराग हैज ऑलवेज बीन इन हार्ट एंड ऑलवेज बीन द प्राइड ऑफ द क्लब एंड हैज पुश द लेवल्स टू सच अ लेवल वेर वी रियली आर वेरी प्राउड अबाउट इट। जस्ट इमेजिन अ सिचुएशन, आप तो घर जाइए और सोचिए 125 करोड़ भारतीयों में वी हैव समबडी हू सिट्स विद अस एंड गेट्स अ गोल्ड मेडल फॉर अस इन 51 कंट्रीज, सच अ ग्रेट मैटर ऑफ प्राइड। हमने आज तक हमारे पॉपुलेशन को अब्यूज किया होगा कि बहुत इतना कंजेस्टेड और इतना भरा हुआ देश है, बट आज हमको उसमें प्राइड हो रहा है कि 125 करोड़ लोगों में एक ऐसा आदमी हमारे पास हमारे क्लब में बैठा हुआ है जिसने प्राइड लाया है 51 देशों में कॉमनवेल्थ का। मैं आई एम अ पेरेंट, मेरे भी दो बच्चे हैं, सबके पेरेंट्स को लगता है कि उनके बच्चे स्पोर्ट्स में अच्छा करें, पढ़ाई में अच्छा करें। पढ़ाई में तो फिर भी बच्चे कर लेते हैं शायद, क्योंकि पढ़ाई में तो बच्चों को ज़्यादा मेहनत करनी होती है। एक मेहनत जो दिखाई नहीं देती, एक मेहनत जो हद से ज़्यादा होती है, बहुत सारे सेक्रीफाइस होते हैं, अपना टाइम मनी लाइफ डेडिकेट कर देनी पड़ती है अपने पेरेंट्स को, अपने बच्चों को इस लेवल पे लाने के लिए। आई थिंक शेखर हैज प्लेड एन इंस्ट्रूमेंटल रोल इन मेकिंग अप फॉर चिराग हैज प्लेड, बिकॉज अगर पेरेंट्स ये विजुलाइज नहीं करेंगे कि मेरा बच्चा कहाँ जा सकता है तो बच्चे को लिमिटेशन हो जाएगी। ग्रेट कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू एंड शेखर, जैसे चिराग इज एन इंस्पिरेशन हमारे बच्चों के लिए, शेखर इज एन इंस्पिरेशन टू ऑल आर पेरेंट्स कि बहुत टाइम मनी डेडिकेशन, बहुत पैसा भी खर्चा होता है इसमें, बहुत टाइम लगता है, बहुत टाइम फ्रस्ट्रेशन आता है, बहुत टाइम रिजल्ट्स नहीं आते, उसके बाद भी आप खड़े रहो, अपने बेटे को प्रमोट करते रहो, खुद के टाइम मैनेज करो, खुद की फाइनेंशियल मैनेज करो। आई थिंक वो सबसे टफ काम है मुंबई में आज, काम धाम सब छोड़, शाम घट पे सब छोड़ कर लग जाना पड़ता है अपने बच्चे के पीछे और बच्चे के लिए वो देखना पड़ता है। आप इमेजिन करिए बच्चे सक्सेस पाते हैं तो पेरेंट्स को क्या सुख होता होगा, और वही सुख के लिए पेरेंट्स केवल करते हैं। सो अ ग्रेट एंड बिग बिग हैंड टू शेखर ऑल द फादर्स। हम एज अ मैनेजमेंट एज जनरेशन नेक्स्ट अपनी जवाबदारी समझते हैं, और इसीलिए आप देख सकते हो हम पहली बार इस बैडमिंटन हॉल में आराम से बगैर गर्मी के प्रोग्राम कर रहे हैं, क्योंकि एयर कंडीशन आ गई है यहाँ पर। स्टैंडर्ड्स हम बढ़ाना चाहते हैं यहाँ के, हम चाहते हैं कि चिराग को देखकर और 4 चिराग यहाँ पर हो और हमारे क्लब को अलग लेवल तक ले जाए। वी आर कमिटेड, ऑल स्पोर्ट्स ऑल इंडिविजुअल्स आर वेलकम, विल ऑल पुश आवरसेल्फ एज मैनेजमेंट, विल ऑल पुश आवरसेल्फ एज इंडिविजुअल स्पोर्ट्समैन। समटाइम लाइफ हमने भी कुछ खेला है। ओके, कंसीडरिंग दिस फैक्ट वंस अगेन अ ग्रेट फीलिंग टू चिराग गेटिंग द प्राइज टू आवर कंट्री, एंड वंस अगेन लुकिंग फॉरवर्ड फॉर मोर ऑफ दिस थिंग्स कमिंग अप, एंड अ स्पेशल Mr. Uday Pawar for making it and trying to put a faith in our kids here and building our kids to this level. कि आज हम national, international और commonwealth level पे हम आने जाते हैं, हमारा लोहा जान चुके हैं आज। Once again a great thanks and a big big congratulations to all the member of Goregaon Sports Club and the whole country. Thanks and thanks to our thank you. Thank you, Devi ji. And now I want to invite. Good morning, everybody.
respected president, dignitaries on the dais, the hero of the day, Chirag, members of Goregaon Sports Club, the Badminton Department, dear children and friends. It gives me immense pleasure to be amidst you all this morning on the joyous occasion of the felicitation of Chirag. I think it needs a big round of applause. It has indeed been an inspirational games for Indian sport and a memorable one for Indian badminton in particular. The historic gold medal in the mixed team event has taken India higher up in the ladder of world badminton. And with Chirag being a member of the gold medal winning team, it is even a more happier moment for all of us, for his coach, his parents, for Uday Pawar Academy, Goregaon Sports Club, and Indian badminton. Chirag's silver medal, along with Satvik in the men's doubles, is also an extremely commendable achievement. I think they are the first pair, if I'm not mistaken, to win the medal in the men's doubles event. They played exceedingly well throughout the tournament, and with a little more experience, I'm sure the silver will turn into gold in the next edition in 2022 at Birmingham. Current ranking in the world rankings of world number 18 is also a great achievement, and I wish him all the success in days to come. All this would not have been possible without the grooming, guidance, and untiring efforts of Chirag's coach, Shri Uday Pawar. I
I have said enough. I once again thank Gurgaon Sports Club for inviting me today and wish Chirag more success in all his future endeavors. And I'm sure it must be on the agenda for people all like Chirag, Uday sir and Mr. Shetty to share their views on this momentous occasion.
Their efforts are far more, their concentration, their
speak much, but today he cannot run from us. He will have to speak. But before he speaks, I would invite our indoor sports chairman, Mr. Parasha, who has also taken a lot of pain for his indoor sports in Goregaon Sports Club, bringing up this badminton, pushing each and every player, each and every talent. So let us hear for Parasha. I'm really glad to see you all over here on a Saturday morning to attend the felicitation of Chirag Shetty. Friends, he is a member of our club, our brother, our friend, and I'm really glad you are here to honor Chirag Shetty. I was talking to Mr. Udhar Pawar in the morning, and he said he is basically from Pune, and when he was playing the nationals and the international levels, there were not many coaches and many facilities available to the players. So he said he would like to take up this as a career to train people and bring in new champions from our country. So I would be really thankful to Udhar Pawar for giving us Chirag Shetty, giving us Goregaon Sports Club and the whole of India, Chirag Shetty, who has brought pride to our country and our club as well. Friends, not to forget, I would also like to mention Manish Atkar's name. He is the coach of अभी आ गए ना, अभी नहीं आ रहे। बाजी थोड़ा ऊपर आइए, दिख रही नहीं, फिर निकाल दीजिए ना पीछे का भाई, आगे अभी निकाले। ओनली थ्री बोल, ओनली थ्री मम्मी डैडी और सर आप आइए ना, एक सेकेंड, एक मिनट आप आइए ना, नहीं नहीं उदय सर, उदय सर, उदय सर, अबे बेसिंग सर, उदय सर, रफीया ना, ओके बाजी here.
बाजी कहाँ गया? हाँ है आनंद सर, बराबर से सर, पूरे सर, पूरे आए पूरे। Ketan, I would now request Sunil Dilini to present the Pudet Pawar Awards to Mr. Pudet Pawar. And you can take the president of the Badminton as a token of appreciation. Oh my God. Sir. एक एक करके तेरा पहला उनको रख के दे दूँ। बाजी एक। तूने एक साथ। पटक पटक। अभी ये। चलो वाइट करते हैं क्या? ओ पुष्कर जी, सॉरी पूछ रहा हूँ, ऑर्गेनाइजर बोल रहा है कॉम्रेड्स होता है अचीवमेंट क्या कहना चाहेंगे? बैठ जाओ, फीलिंग
Well, I'm free, truly elated because. Chalo, roll. Sir, wait, sir. Photo kar le. Okay. I'm only. Hello. Yes, sir. Roll. Okay. Sorry. Well, I'm truly elated. Well, I'm truly elated because this was my very first Commonwealth Games, and coming back with a gold and a silver is truly spectacular. So yeah, I'm pretty happy. Even the Prime Minister have tweeted on your achievement. What do you have to say about it? Well, it's obviously very encouraging when the Prime Minister of your country wishes you, and I'm really happy that he is so interested in sports, and my medal was the 66th medal, so he's treated for a very a few people, so I'm very happy to be one of them. So do you think you are becoming an inspiration, and the way you have achieved something, I mean, that sports is going to become more popular as in the country? Badminton, I'm talking about badminton. Because besides you, all the other sports persons are also gaining, you know, popularity and gaining achievements. So what do you think about the sports of badminton getting popularity in the future? If you see Srikanth, Sindhu and Saina have been there for the past past decade or so, and they've truly been the flag bearers of for Indian badminton. So yeah, the Indian badminton is at the moment just scaling new heights. So I feel that there are much exciting times in the years to come. And what is the goal and what is the vision for the future as such? What is your goal for the future? Well, for the I prefer to have short-term goals. So for now, we'll be playing a tournament in Bangkok, the Thomas and Duba Cups. So presently, that's Sir, आपने क्या कहा जो इस तरह से proud किया country को चिराग ने क्या कहना चाहिए उसके achievement के बारे में और एक बहुत ही unique achievement है खासकर Oregon Sports Club की बात करें तो पहला ऐसा है जो international में किसी tournament में वैसे देश के लिए बहुत ही गर्व की बात है खास करके हमारी constituency और club के लिए Oregon Sports Club जो ऐसे बच्चों को तैयार कर रहा है कि हमें भी बड़ा अच्छा लग रहा है और काफ़ी उम्मीदें हैं इसके साथ में काफ़ी अच्छी मेहनत भी कर रहा है और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों के अंदर और ज़्यादा मेडल्स देश के लिए ले आएंगे सी एज ए सेक्रेटरी ऑफ दिस क्लब इट्स अ प्राउड मोमेंट हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि आज हम क्लब में कह सकते हैं कि हम एक गोल्ड मेडलिस्ट को जानते हैं पर्सनली तो वो बहुत बड़ी बात है कहने के लिए कि हम इतनी बड़ी आबादी में एक हमारे गोल्ड मेडल जीता है वो क्लब का मेंबर है और हम सब लोग इनको जानते हैं तो बहुत गर्व की बात है हमारे लिए एंड इन द फ्यूचर हाउ डू यू गोइंग टू ग्रूम द एस्पायरिंग स्पोर्ट्स पर्सन हु आर विलिंग टू बी स्पोर्ट्स पर्सन रिप्रेजेंटिंग द कंट्री सी वी हैव वेरियस फैसिलिटीज इन द क्लब राइट फ्रॉम एन ओलंपिक साइज स्विमिंग पूल टू जिमनास्टिक्स टू क्रिकेट टू स्क्वाश टू बैडमिंटन All the facilities here, we have coaches which are at par with anywhere. We have created Chirag Shetty through the efforts of coach Uday Pawar. And we have great coaches in this club. So, हमारी तो ये रहती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पे encourage करें अपने parents आने के लिए और हमारा तो vision है कि हम इससे भी ऊपर जाए और एक Olympic medal हमारे देश के लिए लेके आए एक club के members. Chirag, you know, cricket is always considered as a religion of India. What's your take on the sports which you are playing and how far it it came through organization through what you have done for India? Well, obviously, if you see, cricket has been the most followed sport in India, and we are catching up right now, but we are not that high right now. So I would say there's still a lot of time for badminton to catch up with cricket. But people are recognizing badminton players and. The recognition is coming, but it's still not there. So I feel once there's a system in place, I feel even badminton players will be considered at par with the cricketers. Sir, what's your take on that? What he said just right now. If you go to see 10 years back, it was different game. But today, if you go to see even the badminton after Sidhu and all coming into this, parallelly all the sports are coming together. You see, all the events have been happening all over India also. So I think so. Very soon we'll be catch up with all the events. Chirag, do you think media plays a very important part when we talk about, badminton, Sania Nehwal or Sania Mirza? We are the one who, came through media limelight. They came in general public, these are the people who are doing this. What's your take on it? Well, obviously, media obviously plays a big role in propagating a sport. So, I feel if more and more media houses come up and
like show badminton matches, and even the sports channels, if they show more and more badminton matches, I feel the sport will become obviously popular in India, and young kids will take up badminton as a sport even as a career option. So I think that will help in getting us more and more medals for India. Chirag, what message do you want to give to the youngster? I've seen teenager kids who are just, you know, they're diehard fan of yours, taking photographs, posing with you. What message do you want to give to them? How can they become a good sports person, you know, by doing their studies too? Well, obviously, like, I have always followed this thing that studies, like when you play a sport, the studies, it doesn't matter. It actually helps you when you play a sport. So your mind keeps being like, it's distributed. So it doesn't, like if you see that sport helps you instead of demeaning you. So I would say like young kids should take up sports, and it's not that they have to take it up as a career, but even just to like just as an healthy option. So yeah, I would ask kids to take up sports. So while addressing it, is said, you know, you're preparing for Olympics. You want him to be a part of it. Everyone being an Indian, you want him to be a part of it. What will be your preparation, and what will be your preparation for, you know, being in that category? Sir, if you can answer. Okay, just repeat, sorry. I thought it was... The club is already working on it, and at the moment before also the secretary said, and even the Chirag said, okay, now if you go to see the way you ask the questions and the way media promotes, the assembly is slowly, if you go to see, we are coming as per that. Even badminton, if you see a small game which hardly was recognized as kabaddi, but if you go to see the craze for kabaddi also has come up so soon. So definitely the club is trying the best to get few more people who can get the medal for the country in the name of Olympics. As sir said, कि हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा हम महत्व देते हैं कि फैसिलिटी, पहले तो फैसिलिटी अच्छी होनी चाहिए कोई जगह पे, टू एनकरेज एनी यंगस्टर्स टू कम. तो हमारे जो महत्व है यहाँ पे, हम जिसको दे रहे हैं वो गोरेगांव स्पोर्ट्स क्लब की फैसिलिटीज़ को इम्प्रूव करने का ध्यान दे रहे हैं, सो दैट इट विल एनकरेज यंगस्टर्स टू कम. थैंक यू.